दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक मैं छोटा मोटा रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैंने मतलब एक प्रोडक्ट रिसीव किया जो फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने बाय किया था 2 दिन पहले। एक कॉलर माइक, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला है। इसकी जो साउंड क्वालिटी इतनी गंदी है, मतलब पूछो मत। जो आवाज़ जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर माइक पे पूरा फट फट के आ रहा है, पूरा मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं। जबकि वो 2499 का था और जब मैंने खरीदा वो मेरे को पड़ा कितना, 899 के आसपास पड़ा था। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसका कौन सा ब्रांड है और फ्लिपकार्ट से मैंने कहाँ से लिया था। ये रहा, मैंने मंगाया था, अभी मैंने बस खोल के रख दिया इसे। कौन सा ब्रांड है मैं ये भी बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा ये दिखता है बॉक्स, K9 का है और ये 899 का पड़ा था मेरे को। मतलब साउंड क्वालिटी बहुत ही गंदा है। अगर आप लोग मंगा रहे तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आई थिंक आप लोगों को नहीं मंगाना चाहिए। हाँ, प्राइस बहुत कम है पर क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत क्वालिटी बिल्कुल होना तो चाहिए ही अगर आप किसी चीज़ का 1000 रुपये भी ले रहे हो। जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही ख़राब है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि कैसा सुनाई देता है सुनने में। आई होप अभी सुन रहे आप लोग। देखिए, सपोज पकड़िए मैं यहाँ से बातचीत करता हूँ, अगर मैं यहाँ से भी बात करता हूँ तो फिर ठीक है। चलो मैं बहुत सामने से बात कर रहा हूँ, पास से, चलो मैं इतने दूर से बात कर रहा हूँ, अभी कैसा लग रहा है? चलो यहाँ से भी बात कर रहा हूँ तो अगर थोड़ा सा अगर साउंड क्वालिटी को मेंटेन करते ना मेरे को अच्छा लगता और मैं रख भी लेते। लेकिन मैं अभी इसको रिटर्न कर दूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल साउंड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं भी आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर इस ब्रांड का K9 का अगर आप लोग खरीद रहे हो तो मैं पहले से अलर्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये सामान आप ऑर्डर मत कीजिए क्योंकि बेकार चीज है, ये पूरी की पूरी बेकार है। चलो ये तो नहीं, मैं पास से बात कर रहा था। अगर मैं थोड़ा दूर से भी बात करता हूँ मैं देखता हूँ कैसा आ रहा है साउंड क्वालिटी। यहाँ से आप लोग सुन पा रहे शायद कैसा आ रहा नहीं आ रहा है ना। अभी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि दूर से भी बात करते हो तो कैसा साउंड क्वालिटी आ रहा है इसका। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ये छोटा मोटा रिव्यू सुना। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का करना। हाँ, मुझे भी करना चाहिए था पर चलो मैंने थोड़ा पैसे का कंजूसी दिखा के मैंने लिया नहीं, बट आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। चलो गुड बाय।